मैं हूं गजाल अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और ईडी को पत्र भेजकर सम्मन वापस लेने को कहा। उनका कहना है कि सम्मन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर सम्मन उन्हें भेजा गया है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था। ईडी के सामने पेश होने के बजाय केजरीवाल मध्य प्रदेश रवाना हो गए। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के लिए वो सिंगरौली में रोड शो करने वाले थे, हालांकि उन्हें रोड शो करने की वहां इजाजत नहीं मिली। ईडी ने शराब नीति घोटाला मामले में दाखिल आरोप पत्रों में बार बार अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने उनसे इस मामले में पूछताछ की थी, लेकिन अब सवाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद ईडी के आगे क्या, मतलब ईडी क्या कदम उठाती है और अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडी की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी फिर से अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज सकती है, क्योंकि शख्स सिर्फ 3 बार ही ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर सकता है। सम्मन भेजने के बाद जांच एजेंसी गैर जमानती वारंट की मांग कर सकती है और गैर जमानती वारंट कोर्ट के आदेश पर होता है, जिस पर तय समय और तय तारीख पर पेश होना जरूरी होता है। अगर कोई गैर जमानती वारंट की बात नहीं मानता है तो उन्हें फिर गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर कोर्ट में पेशी होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल सम्मन को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं और अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं। शराब नीति घोटाला मामले में आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही वो लगातार जमानत की मांग कर रहे हैं, हालांकि उन्हें जमानत मिल नहीं रही है। 30 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं 5 अक्टूबर को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके अलावा आज दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।